हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए विज्ञान जैव कार्यक्रम का टॉप 30 टॉप प्रश्न। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर एक। छोटी आंत में पाए जाने वाले सारांशकूर का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, अपशोषण। क्वेश्चन नंबर दो, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोकोंड्रिया में। क्वेश्चन नंबर तीन, पादप में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है? तो ऑप्शन नंबर सी, इथाइल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 4, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, तितली में। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी, NH3। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइपेज। क्वेश्चन नंबर आठ, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, वायवीय। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसको होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, हवेल को। क्वेश्चन नंबर 10, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, 10। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे में। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अंतग्रहण। क्वेश्चन नंबर 15, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, अश्वसंघ। क्वेश्चन नंबर 17, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, द्वार कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 18, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, रंध में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, स्पाइग्नोमेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त
श्राप के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो ऑप्शन नंबर सी पोलेट लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 21, पादप हार्मोन साइट्रोकिनिन सहायक है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रो के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 23, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में डुबोया जाता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने से पहले पत्तियों को एल्कोहल में उबाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 10x पर। क्वेश्चन नंबर 25, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 26, हीमोडायलिसिस में क्या नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 28, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए बी दोनों, नाइट्रेट के रूप में और नाइट्राइड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें स्वपोषी कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 30, पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट को। क्वेश्चन नंबर 31, हरे पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी मंड के रूप में।